गेमिंग टेक। तो आज हमारे पास है मंगूस आर्टरी। इधर आर्टरी दिखा बे। आर्टरी आर्टरी आर्टरी। तो मैं बात करने वाला हूँ उसके। रुको रुको, डायरेक्ट नहीं, इसके बदले में बोलते ना कि लाइट वगैरह। नहीं, मैं बोलता हूँ। हाँ तो आयुष बात करने वाला इसके इसके टायर्स, इसके ब्रेक्स और इसके गियर्स दोस्तों। और सरोम भाई बात करने वाला है इसके रिफ्लेक्टर्स, इसके इसका स्टेम, इसका इसके बॉडी और इसके सीट, इसके इसका सीट। इसके जो आज मैं बोल दिया आपको उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आयुष बनाए कैमरामैन, क्योंकि हमारा एक पर्सन है ना, वो अभी अभी वो रेगुलर वीडियोस में नहीं आएगा, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया है, जिसके मतलब आप बोल सकते हो वो हमारे वीडियोस में नहीं आएगा अभी। तो अभी मैं और आयुष हो गए। तो अभी मैं पढ़ता हूँ इसके पहले सीट की। और सीट है इसका ओरिजिनल सीट है। और मैं एक सेपरेटली बात बताना चाहता हूँ कि इसका कलर है ना वो एकदम मस्त है कत्ती। और जिसका देखो ब्लैक सिल्वर और वाइट थोड़ा सा है। और सीट भी इनकी मतलब साइकिल के मुताबिक बहुत अच्छी है। सॉफ्ट है भाई? सॉफ्ट है, नहीं इतनी सॉफ्ट नहीं है। ओके, मीडियम है। मीडियम है, मीडियम। तो इसके एल्युमिनियम बॉडी की बात करें तो बहुत लाइट है गाइस, बहुत लाइट है इसकी साइकिल के मुताबिक। ज्यादातर जो थिन टायर होते हैं वो अक्सर लाइट होती है, वो अक्सर लाइट होती है, बहुत लाइट होती है। इसकी मेटल की बॉडी है, मेटल कुछ तो होगा भाई, पता नहीं, एल्युमिनियम ही होगा। स्लैश लेस बॉडी है इसकी। और अभी डैश 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 डैश। और मैं अभी इसके स्टेम की बात करें तो ये स्टेम भी बहुत वाइड है। हाँ, बहुत वाइड है साइकिल के, जैसे देख सकते हो आप, बहुत वाइड है। इसी थोड़ी छोटी है, हमने छोटी करके रखी थी। फिर इसकी कैमरा होल्ड करना भी सीट क्विक रिलीज है। और टायर अभी क्विक रिलीज है। ए, टायर मैं बात करने वाला हूँ, है ना, तो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं बताने वाला हूँ, क्विक रिलीज है। तो मैंने कुछ बोलने वाला हूँ उसके ब्रेक्स, गियर और इसके टायर। जो टायर जो आपके पास है ये एक्सल रिम्स के हैं, देखिए एक्सल रिम्स। और ये बहुत पतले हैं, बहुत दिस थिन, दिस थिन, इसने देखिए। और ये जो पीछे का भी टायर है वो भी क्विक रिलीज है। ये साइकिल थोड़ी यूज नहीं हुई, इसीलिए इधर थोड़ा रस्ट आ चुका है, पड़ चुका है। और हमारे लोग अपने साइकिल को टेप लगा देते हैं। हाँ वही, हमारे हमारे दोस्त है एक पागल को ये पता है। इसके इसका जो चेन है, एज हमने बोला था, ये इन यूज नहीं है। तो इसकी चेन थोड़ी सी ऑयल और रस्टेड है। तो बढ़ते हैं इसके गियर्स की। तो गाइस देखिए ये 21 गियर है, ये 7 है और ये है। गाइस इधर एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो इधर थोड़ा सा ये हो गया जो रुको मेरे फोन के अभी बोलो। अगर आप देख सकते हो इधर कितने हैं, इतना थोड़ा थोड़ा टूट चुका है और थोड़ा स्क्रैचेस आ चुके हैं। ये गाइस आप मैं स्पिन करके दिखाऊंगा, ये बहुत लूज है, ये पहले गियर में है। अब मैं चेंज करूंगा दिस टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। गाइस इसका जो पीछे का गियर है ये शिमानो वोल्टस है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेवन टू वन जाऊंगा। देखिए गाइस ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइस ये अभी बहुत स्मूथ है। तो आज भाई आपने सब कुछ बता लिया, मैंने 7 में डाल दिया। अब मैं आगे वाले गियर्स के बारे में बात करूंगा। शिफ्ट करो भाई, सरवन भाई शिफ्ट करो। शिफ्ट मैं करूँ? हाँ शिफ्ट करिए। ये वाला ना, ये अब जाएगा अभी सेकेंड में, थर्ड में। गाइज शिफ्टिंग में आवाज भी नहीं आता, दो इट्स रस्टेड चेन। तो अब मैं बात करूंगा इसकी ब्रेक्स के बारे में। अरे गियर सेट कर दूंगा वापस। हाँ गियर नॉर्मल सेट कर दूँ। जो अभी ये ब्रेक्स है देखिए गाइज बहुत टाइट है, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। इनमें वो डुअल डिस्क ब्रेक नहीं लगा है, डुअल डिस्क ब्रेक नहीं है जैसे हमारे इलेक्ट्रो में लगा था और रोडियो हैंक में। हाँ रोडियो हैंक में सभी हम लगभग करते हैं, वो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ होता है। डुअल नहीं, डिस्क ब्रेक के साथ तो होता ही है। हाँ एक्सेप्ट हमारा जो क्रॉस ये था, मैक्सिमम नहीं, क्रॉस स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी वाला। तो मैं करने वाला हूँ इसकी बात करने, अब मैं करूंगा इसकी स्मूथ टेस्ट और सरवम भाई करने वाले हैं इसकी ऑफ रोड टेस्ट। तो पहले मैं करूँ या तू करूँ? मैं करता हूँ। ठीक है, तो पहले अब मैं करूँ इसकी
स्मूथ टेस्ट करने वाला हूँ। तो ये डाला पहले गियर में, चलो भाई आसानी से। सनलाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा पर थोड़ी सनलाइट है, ब्रेक में थोड़ा सा आवाज आता है। और भाई मस्त है, मतलब वो लोड तोड़ देगी क्या? हाँ वही इजी इजी टू कैरी। हाँ तो आपका हो गया अभी स्मूथनेस टेस्ट। एक मिनट रुको भाई, किधर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक से? तुमने किया था? हाँ इलेक्ट्रिक ने किया था। इलेक्ट्रिक तो खतरनाक है। अब मैं डालने वाला हूँ इसके आगे वाले गियर्स के। यो बाबू याद ये डाला सेवेंथ में, फोर्टीन्थ में और 21। अब भाई बहुत हार्ड है भैया, इसके ब्रेक्स बहुत टाइट है, बहुत टाइट। एज आई एक्सपेक्टेड, इतने ज्यादा जल्दी करना। अब सरों भाई करने वाले हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट, करने वाले साइकिल को ऑफ रोड टेस्ट। इसमें थोड़ी हवा कम है तो आई डोंट थिंक सो जा पाएगी इतनी। जाएगी भाई, बहुत अच्छी साइकिल है, जाएगी ऑफ रोड जाएगी। ठीक है भाई, कितनी स्मूथली जा रही है। फर्स्ट में डालो सीट ना, मैं बढ़ा लेता हूँ मेरे को। फर्स्ट में डालो ना, ये सीट बढ़ा के रुक, एक पकड़ है, एक मिनट पकड़ रहा हूँ, पकड़ सिर्फ थोड़ी करना। आ हो गई, ताकत ही नहीं है। अबे मैं एक अपने साइकिल इतना पकड़ इतना? और थोड़ा नीचे ऊपर, बस बहुत टाइट है ना। नट लूज करके डाल, नट ये लूज नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। गियर हो जाएगी ना, मैं देखता हूँ, एक मिनट मैं फर्स्ट और फर्स्ट में डाल के देख दूँ। देखिए पर ऑफ रोडिंग टेस्ट मत कर, डाल जल्दी से। हमारा जल्दी दे, इसका चैनल का मोस्ट या वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, तो अब सरवम भाई आ चुके हैं, क्योंकि अभी ऑफ रोडिंग साइकिल में बहुत डिमांड हो चुकी है। हाँ सब लोग ट्रैकिंग हाइकिंग या बाइकिंग माउंटेन पे चलते हैं, सभी ये ट्रेंडिंग है एक्चुअली। हाँ वही तो गई, ये हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक है, इसको मत देखियो ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक है एज यूजुअल। आ जाओ देखिए गाइज, वो उधर रहा सर्वम। हाँ हट रहा हूँ, आ जा बबुआ, आजा बबुआ, थोड़ा स्लो जा। हाँ एक ही गो में चला गया गाइज, बहुत बढ़िया साइकिल है गाइज, आई रिकमेंड टू बाय दिस, बहुत अच्छी है। सन के लिए नहीं दिख रहा होगा। और मैं इधर से जाऊंगा, मैं वापस इधर से आया था, उधर से जाऊंगा मैं। थोड़ा भाई ओए जा ना, बस पर दिखा मेरे में गाइज, इसकी ब्रेक बहुत टाइट है। अगर आप स्पीड में आओगे, हाँ और आगे का ब्रेक मत प्रेस करो, वरना आपको नाक का कुछ तो हो जाएगा, पता नहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। उई तो भी चलिए जाने वाला हूँ, उनको लगा मेरा टायर पंचर हो गया, टायर में हवा ही नहीं है, हवा नहीं है, फूल गया, पंचर हो गया, पंचर नहीं होगा, नहीं पंचर नहीं हुआ इस टायर में, बिल्कुल हवा नहीं थी। मैं आपको एक बार प्रेस करके दिखा देता हूँ, कैमरा आ गया जल्दा आ गया ना, अब ठीक से देखो, मैं दबाता हूँ देखो, इस देखो पहले पीछे के टायर की बात करते हैं, पीछे वाला टायर देखो, देखो प्रेस करो तो ये है, पर आगे वाला टायर कितनी खत्म हो गई है पूरी, देखो जैसा देख सकते हो, मैं प्रेस करूंगा अभी। Guys, I do not recommend thin tire पे ऑफ रोडिंग करेंगे, क्योंकि वो ट्यूबलेस होता है। देखिए गाइज ये इसमें बिल्कुल ट्यूब नहीं है, हाँ। तो अभी इसलिए हम ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे साइकिल में, सॉरी टू से, ए फर्स्ट साइकिल जिसमें हम ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे। और थ्री टायर का पता है क्या होता है, वो जल्दी से पंचर हो जाती है एकदम, मतलब ट्यूबलेस होती है, ट्यूबलेस हाँ, होती है भाई कांटे में अगर, हाँ वो ट्यूबलेस होती है, अगर फट करके आवाज आता है और फूटता है,
छुपता। आई डोंट थिंक सो, उधर कैमरा में कैप्चर हुआ था जब मैं उधर जा रहा था ना, जैसे ढूंढ करके आवाज एक बार, तब आयुष बात कर रहे थे इसलिए कैप्चर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आवाज आएगा आपको करके आवाज आया था डूम और करके कुछ तो हवा गई पूरी। तो अभी हम इस जगह कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका ऑफरिंग टेस्ट नहीं हो पाएगा। गाइस वो पंक्चर नहीं था, वो ये जो कैप है वो शूट आउट हो गया था फट करके ऐसे, और उसके इधर से हवा आने शुरू होगी। सो सॉरी टू से, हम ऑफरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरा सी वीडियो पसंद आ रहा है हमारे मेहनत देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।